ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2020। प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं, आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, अब बाबा पूछते हैं, कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। बाप राइट बात समझाते हैं, तीन लोक तो हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। न स्वर्ग का न नरक का मालिक है, कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं हैं कि यह लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है।
यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए। परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर वन है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर वन तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा यानी उल्टी चारपाई कर देते। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे। भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं
और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5,000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां हैं ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा, तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाएं, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ, बाप को याद करना है। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं, तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहें। कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए,
तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, बाप करन करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिकर रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है, जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पार लौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम तीन पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। नंबर दो, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। तीन पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। श्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।